हे प्रभु, कुछ लोग अपने भजन ध्यान से आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, जबकि कुछ आपके निर्गुण रूप की। इन दोनों में से किसे पूर्ण माना जाए? हे अर्जुन, जो अपने को एकाग्र कर मेरे साकार रूप को देखते हैं और जो श्रद्धा पूर्वक सदैव मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ही मैं पूर्ण योगी मानता हूं। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके परम सत्य की निराकार कल्पना करते हुए मेरी पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, ऐसे लोग संपूर्ण प्राणियों के हित में कर्म करने के बाद अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जो लोग मन में परमेश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करके पूजा करते हैं, उन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे में हे अर्जुन, देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इसलिए तुम अपना ध्यान मुझ में स्थिर कर अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह सदैव मुझ में वास करोगे। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मुझे प्राप्त करने की चाह अपने मन में उत्पन्न करो। और यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो हे अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम इस भावना अमृत में कर्म ना कर पाओ, तो तुम अपने समस्त कर्म फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम ये भी ना कर पाओ तो ज्ञान प्राप्त करो। किंतु ये जान लो पार्थ, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, ऐसा त्याग जिसके करने पर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी जीवों से मित्रवत रहता है, अपने को स्वामी नहीं मानता एवं मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, सुख दुख में संभाव सहिष्णु आत्मसंयमी तथा आत्मसंतुष्ट रहता है तथा निश्चय के साथ मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर कर मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध एवं दक्ष है, चिंता एवं समस्त कष्टों से रहित है तथा कर्म फलों के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता,
जो ज्ञान में दृढ़ और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हे कौन्ते, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित मुझ में पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं।